கண்ணகி மாதவி மணிமேகலை. நாரி நாம் உபாசனா கா யே ஹர் ரூப் மே ஜீவன் ஹே. नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है. यही है पूजा, यही प्रेम है, यही जोगन कण्णगी. ये राजमहल के सेवक है, राजाज्ञा लेकर आए हैं. आपके वो शिल्प इन्हें दिखाइए. ये देखिए, ये राजमहल में रखी जाने वाली वस्तु है ना. इसमें संदेह नहीं, किंतु किंतु की क्या बात है. अंदर आइए, आपसे कुछ एकांत में बात करनी है. हाँ तो चलिए चलिए अंदर. ये लोग मूल्यांकन के लिए मुझे बुला रहे हैं. मैं अभी आया, आप यहीं ठहरिए. मैं आपको ऐसा मूल्य दिलवाऊंगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते. धन्यवाद. आशीर्वाद. मुझसे क्या कहना है. इसके मुख्य लक्षण इसे चोर नहीं बताते. हाँ, तेरे मुख्य लक्षण तुझे राजसेवक नहीं बताते तो क्या. इसके प्राण लेना अभी ठीक नहीं होगा. बंदी बना लेते हैं, कल राज्यसभा में प्रस्तुत करेंगे. मैं भूल गया ना, तू बड़े ज्ञानी हो इसलिए सोच विचार रहे हो. जब इतना पढ़ा है तो तिरुकुरल के इस वाक्य को भी पढ़ा होगा कि मक्कले पोलवर खैवर, अर्थात चोर भी सामान्य जनों से ही होते हैं. पढ़ा है, तिरुकुरल का नीति वचन मैंने भी पढ़ा है. और ये भी पढ़ा होगा कि कट्टद कैमंडलव कल्लादद उलगलव, माने जो सीखा है वो है मात्र मुट्ठी भर, जो बचा है वो जग विस्तृत. पढ़ा है, पढ़ा है. और सब भूल गए. इसीलिए अपने मुट्ठी भर ज्ञान के बल पर राजाज्ञा का औचित्य और मुझ जैसे अनुभवशाली के अनुभव को तोलने का कष्ट मत करो. सुनो, ये कोई साधारण चोर नहीं है. खुली आंखों के सामने हमारी वस्तुओं को ले जाने वाला मायावी है वो. जन्मति को अपने वश कर लेने वाला मांत्रिक है, हवा में उड़ जाने वाला तांत्रिक है. कभी इसे हम पर संदेह नहीं हुआ, हुआ तो उसी क्षण उड़ जाएगा. और गया शिलम भी, तो तुम्हारी दशा क्या होगी सोच लो. इसीलिए कह रहा हूं राजाज्ञा का तुरंत पालन करो, नहीं तो तुम दोनों को भी ये मायावी बैल में बदल देगा. अधिक अंतर तो नहीं पड़ेगा. अभी भी सोच रहे हो? अरे मित्र, ये उड़ गया तो महाराज हमारा मस्तक उड़ा देंगे. चलो. आपका ये शिलम क्या मैं सूर्य के प्रकाश में देख सकता हूं? अवश्य, ये लीजिए. कृष्णा हरे कृष्णा मेरे
सभी भक्तों ने तुझको पुकारा, माराह बनकर नरसिंह बनकर असुरों की शक्ति को तुमने संहारा। काप हरो काप हरो काप हरो काप हरो, गिनती सुनो नंद के दुलारे, तेरे दया बिन जीना है कठिनो सारे। श्री कृष्ण गोविंद बन गई।
सब मौन क्यों हूँ? कल तक मैं बहन थी, पुत्री थी, आज तुम सबकी कुछ नहीं। मेरे अश्रु नहीं पहुंचेंगे आप, एक शब्द सहानुभूति का नहीं कहेंगे। माता माधुरी कहां गई? कहां गई? तो भी साधी को उन्होंने वचन दिया था मेरे अभेदे रक्षा का, कहां है वे? अरे तुम भी मुझसे नहीं बोलोगी? तुम्हारा पति कोवलन निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। सुना आप लोगों ने, मेरे पति निर्दोष है, निर्दोष है, पाप अपराधी नहीं। एक अन्यायी राजा की नगरी में नरकवास करने वाले अभागी पत्नियों, नाम तक न जाने वाले क्रूर शासक की राज्य में दासता का जीवन व्यतीत करने वाले पतिव्रताओं, ये देखो ये क्या है? अंधे राजा की अंधेरी नगरी की कुल ललनाओं, बाहर आकर देखो कैसे अत्याचार हो रहे हैं, ये देखो ये क्या है? अगर एक ही शिलम खोया था तो ये दूसरा कहां से आया, कहां से? पतिव्रताओं, मैं भी तुम्हारी तरह एक स्त्री हूं, कम कष्ट नहीं भोगे हैं मैंने। इस असाधारण प्रतिभावान पति, धन संपत्ति सब कुछ पाकर भी मैं अपूर्ण थी। जानना चाहते हो मदरे क्यों आए? हमारे जीवन में नए प्राण संजोने के लिए, एक नया अध्याय शुरू करने के लिए, पर यहां तो अनर्थ हो गया। तुम्हारी राजा ने एक सामान्य शिलंब के लिए पति के प्राण ले लिए, मुझे अभागे बना दिया। मेरे शिलम को मुद्राएं देकर नहीं प्राप्त कर सकता था तुम्हारा राजा, इतना असमर्थ कि मेरे पति पर चोरी का मिथ्या आरोप लगाया। सुनते हो तुम लोग, सुनते हो, मेरे पति निर्दोष है, ये पंचभूत साक्षी है। सत्य के बल पर मेरे पति एक क्षण के लिए ही सही, एक क्षण के लिए ही सही जीवित होकर मेरा नाम लेंगे। ऐसा होगा और निश्चय ही होगा,
यदि ऐसा न हुआ तो मैं उसी दंड की भागी हूँ। ये कैसा नगर है, कुलवधुओं के रहने योग्य नहीं, यहाँ देवी देवता का वास नहीं है, न किसी महान आत्मा का आशीर्वाद इसे प्राप्त है, धर्म नीति सबके हाथों तिरस्कृत है ये नगर। काल के सूर्य से तेजो में शरीर अब रक्त में रंजित है, तेरी गोद में शोभायमान रहने वाला ये सुंदर मुख धूल धूसर इस तरह धरा पर पड़ा है। श्रीमुख शब्द ही दृष्टिहीन और ये आजाने बहु कैसे गतिहीन होकर पड़े हैं। न न्याय मिला हमें, न न्याय की गुहार का अवसर, एक ही थी ये साचर्य मांगल्यमय जीवन, यही तो बचा था जीवन में, पर सब क्षण भर में नष्ट हो गया। कन्नगी, मैंने अपराध किए हैं, किंतु ये नहीं। अत्याचारी अधर्मी पांड्य राजा के लिए इतना भव्य राजमहल, एक अन्यायी के लिए इतनी सुरक्षा। कौन हो तुम देवी? प्रतिहारी, जाओ अंदर। राजसभा में न्याय का नाटक करने वाले तुम्हारे अंधे राजा को बताओ कि पति से बिछड़ी एक व्याकुल पतिव्रता रक्त के आंसू बहाती हाथ में एक शिलंब लेके आई है। जाओ, जाते क्यों नहीं? अच्छा देवी, पांडे महाराज की जय हो, दक्षिणा पंथ शासक की जय हो, शारदा प्रिय तमिल भाषा के पोषक की जय हो। महाराज, द्वार पर एक स्त्री आई है, पति के वियोग में दुखित एक अबला आई है, साक्षात काली का रूप लिए हुए तलवार की तरह हाथ में शिलंब लिए खड़ी है द्वार पर। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही है, सभी उसे देख भयभीत हो कांप रहे हैं। महाराज, ले आओ उसे। जो आज्ञा महाराज। प्रभु, कहीं मेरा दुःस्वप्न सत्य न हो जाए, मुझे भय लग रहा है। भय शब्द राजकुल का शत्रु होता है देवी, आपके मुख में शोभा नहीं देता। नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है, नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है, यही है पूजा, यही
यही प्रेम है, ये ही जोगन कण्णगी। Thank you.